2016 की IAS टॉपर टीना डाबी UPSC की परीक्षा टॉप करने के बाद से ही लगातार चर्चा में रही हैं। दिल्ली की IAS टॉपर ने 2018 में UPSC के फेलो टॉपर अथहर आमिर खान से शादी की थी। शादी के बाद टीना ने इंस्टाग्राम पर अपनी बायो में खान सरनेम जोड़कर कश्मीरी बहू का टैग जोड़ लिया था, लेकिन अब उन्होंने सरनेम से खान शब्द हटा दिया है। टीना डाबी ने कश्मीरी बहू का सरनेम भी छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, एक इंस्टा स्टोरी में हनुमान चालीसा की चौपाई का एक हिस्सा साझा करते हुए उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। IAS टीना डाबी के इंस्टाग्राम पेज पर करीब 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। 2018 सितंबर में अथहर खान से शादी के बाद टीना ने बायो में खान शब्द जोड़ते हुए खुद को डेलहाइट, कश्मीरी बहू, IAS इन दैट ऑर्डर के रूप में डिस्क्राइब किया था, लेकिन अब उन्होंने इसे हटाकर खुद के अकाउंट को पर्सनल बताया है। इतना ही नहीं, टीना के खान सरनेम और कश्मीरी बहू का टैग हटाने के बाद उनके पति अथहर आमिर ने उन्हें अनफॉलो कर दिया था, मगर बाद में फिर से फॉलो बैक किया। बता दें कि टीना ने 2016 IAS टॉप किया था। उन्होंने UPSC के अंतिम नतीजों में पहली रैंक हासिल की थी। उनके पति अथहर ने दूसरी रैंक हासिल की थी। ट्रेनिंग के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और 2018 में शादी कर ली। टीना दलित समुदाय से आती हैं और जब उन्होंने अथहर से शादी की थी तो सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हुई थी। उनकी शादी की आलोचना भी की गई थी। टीना के खान सरनेम हटाने के पीछे क्या वजह है, ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल टीना राजस्थान के भिलवाड़ा में SDM के पद पर तैनात हैं। न्यूज डेस्क।